ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लेके। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम कुछ चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज बात करते हैं श्री नवदुर्गा प्रश्नावली चक्र यंत्र की। जिसे भी अपने सवालों का जवाब या परेशानियों का हल जानना हो, वह पहले 5 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे स्वाहा मंत्र का जाप करने के बाद 1 बार इस मंत्र का जाप भी करें। या देवी सर्वभूतेश मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके बाद आंखें बंद करके माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों का स्मरण करें और अपने प्रश्न को मन में याद करते हुए श्री नव दुर्गा प्रश्नावली चक्र यंत्र पर उंगली घुमाएं। उसके बाद किसी एक कोष्ठक पर उंगली रखें। उस कोष्ठक का फल भी जातक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर होता है। यह बहुत ही दिव्य प्रश्नावली चक्र है। यह बहुत ही सटीक उत्तर देता है। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही श्री नव दुर्गा प्रश्नावली चक्र यंत्र है जिसको आप आसानी से किसी कागज पर बना सकते हैं। प्रश्नावली चक्र का फल कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, धन लाभ होगा एवं मान सम्मान भी मिलेगा। नंबर 2, धन हानि अथवा अन्य प्रकार का अनिष्ट होने की आशंका है। नंबर 3, अभिन्न मित्र अथवा प्रिय से मिलन होगा जिससे मन प्रफुल्लित होगा। नंबर 4, कोई व्याधि अथवा रोग की आशंका है अतः कार्य अभी टाल दें। नंबर 5, जो भी कार्य आपने सोचा है उसमें निश्चित सफलता प्राप्त होगी। नंबर 6, कुछ दिन कार्य टाल दें, अभी समय उपयुक्त नहीं है। नंबर 7, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है, शीघ्र ही सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र का योग है, अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। नंबर 8, विचार पूरी तरह त्याग दें, इस कार्य में मृत्यु तुल्य कष्ट की आशंका है। नंबर 9, समाज अथवा सरकार की दृष्टि में सम्मान बढ़ेगा, आपका सोचा हुआ कार्य अच्छा है। नंबर 10, आपकी को अपेक्षित धन लाभ प्राप्त होगा अतः कार्य आरंभ करें। नंबर 11, आप जो कार्य सोच रहे हैं उसमें हानि की आशंका है। नंबर 12, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, पुत्र से भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। नंबर 13, शनिदेव की उपासना करें, कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। नंबर 14, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है, चिंताएं मिटेंगी, सुख संपत्ति प्राप्त होगी। नंबर 15, आर्थिक तंगी के कारण ही आपके घर में सुख शांति नहीं है, 1 माह बाद स्थितियां बदलेंगी, धैर्य एवं संयम रखें। मित्रों, ये 15 फल हैं जो कि प्रत्येक कोष्ठक पे हैं। नंबर 1 से लेकर 15 तक जिस कोष्ठक में आपने उंगली रखी है उसमें जो भी फल निकल के आता है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। यह सटीक प्रश्नावली चक्र है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।